हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ देश ब्रांडेड क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 4 मार्च अंग्रेजी का पेपर, और उस पेपर को पूरा सोल्यूशन आप लोगों ने क्या क्या किया है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। मैं पूरा पेपर आज का दिखा देता हूँ। 817 कोड का ये पेपर रहा हमारा। सबसे पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे इंग्लिश के पेपर में। फिर चलते हैं, चलो दूसरे प्रश्न की तरफ। पार्ट ए दिया गया है, जो लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 से 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि पहले पैसेज दिया हुआ, फिर उससे संबंधित लगातार क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये आप लोगों को देखकर उसी पैसेज से चालू करना है। फिर लगातार चौथे प्रश्न से लेकर आठवें प्रश्न तक दिखाया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। ये उसी पैसेज का फिर रहे, इसी पैसेज से संबंधित ये प्रश्न रहे आपके। और ये आप सभी लोगों को पैसेज पढ़कर अच्छे से पढ़ना है, और पैसेज पढ़कर ही उसी में आंसर दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9 से लेकर 10 तक। फिर एक पैसेज दे दिया गया है, और उसी पैसेज से फिर नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चन को आप फिर पैसेज के हिसाब से आप चालू कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 11 से 13 दिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल इन द ओल्ड डेज। यानी कि ये आप लोगों को रिक्त स्थान में आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिर दिया गया 14वां नंबर क्वेश्चन और 15वां नंबर, रीड द गिवन इन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि एक इसमें पोएम टाइप दिया गया है, फिर उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन यानी टिक करने को दिए गए हैं, कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है ये आपको टिक करना है। फिर नंबर 16 से 20 नंबर तक क्वेश्चन दिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि व्हाट वाज ट्रिकी ओनली फॉल्ट, ये आपकी बुक से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं जो 20 नंबर तक आपको करने हैं। पार्ट बी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें आपको पैसेज दिया गया है, और फिर पैसेज से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं 4 क्वेश्चन। फिर चलते हैं राइटिंग, यानी कि राइटिंग लेटर की तरफ। राइट अ लेटर टू योर यंगर सिस्टर टेलिंग हर द डिसएडवांटेजेज ऑफ वॉचिंग टेलीविजन एक्सेसिवली। और अथवा दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द वार्डन ऑफ योर हॉस्टल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सम इंडोर गेम्स इन द हॉस्टल। ये मैंने पहले से ही पिछले वीडियो में बता दिया था कि इन गेम्स के बारे में। और तीसरा नंबर क्वेश्चन सर, राइट आ रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स के बीच में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, जिसमें हिंट्स दे रखा है, यूजफुल फॉर लिविंग बींग्स, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, कीप एनवायरनमेंट क्लीन, प्रिवेंट सॉइल इरोशन और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। यानी कि हेडिंग्स डाल डालकर आपको ये पूरे इसकी विस्तृत जानकारी लिखना है, जो आपको 6 नंबर देकर जाएगा। इससे में अथवा दिया गया है, राइट एन आर्टिकल ऑन ए विजिट टू अ जू। यानी चिड़ियाघर जब देखने जाते हो तो उसके बारे में आपको 100 शब्दों में एक निबंध लिखना है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था। इसमें भी हिंट्स दे रखा है, वेन यू विजिटेड इट, वाट यू सा देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, हाउ यू एंजॉयड इट। चौथा नंबर क्वेश्चन से हमारा ग्रामर का, यानी कि व्याकरण। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आपको चालू करना है। शीला सेड टू मोहित रोहित, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। फिर बी नंबर इसमें दिया गया है पैसिव वाइस, यानी एक्टिव वाइस से पैसिव वाइस चेंज कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, विल यू नॉट अटेंड द क्लास। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी द बॉय सेड सर मे आई कम। इसको आपको पंक्चुएशन से संबंधित है, इसको आपको पंक्चुएट करके लिखना है। डी नंबर क्वेश्चन सर, ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इन टू इंग्लिश, मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। ये आपको स्टोरी है, और स्टोरी को आप टेंस के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अब दिया गया है अगला 5वां नंबर क्वेश्चन लिटरेचर का, इसमें आपको 30 से 40 शब्दों में क्वेश्चन लिखना है। व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन इन द चैप्टर लेटर टू गॉड। ये लंचो के पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, जो आपको चालू करना है। दूसरा क्वेश्चन अथवा दे रखा है, व्हाट डिड बुद्ध आस्क द गर्ल टू ब्रिंग फॉर करिंग द चाइल्ड। फिर इसी में अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन आर गॉड।
और इसी में तो हम दिया गया है हाउ डिड वाइली पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है हाउ डू यू नो दैट ब्रेड्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोन लाइफ। और इसी में बी नंबर क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, लेंचो से संबंधित। सातवां नंबर क्वेश्चन है हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो 40 शब्दों में आपको लिखना है। इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है थोड़ा लगाकर राइट योर लाइन्स ऑफ पोएम, एक आपको कविता लिखनी है जो इस प्रश्न पत्र में ना दी गई हो। आठवां नंबर क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, 40 से 50 वर्ड्स में आपको सेंट्रल आइडिया। ए टाइगर इन द जू, द ट्रीज, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। द ट्रीज वाली मैंने पहले ही आपको पिछली वीडियो में बता रखी थी, आप रट कर जाइए, आपको फेल नहीं होने देंगे हम। नौवां नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 शब्दों में। व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक्स। ये आपको 30 से 40 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर देना था। दसवां नंबर क्वेश्चन हमारा और अंतिम क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। और इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है हाउ वुड यू असेज ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। ये बहुत ही आज का बेहतरीन पेपर, लेकिन थोड़ा सा कठिन पेपर है आज का, तो आप लोग जल्दी से जाओ कमेंट करके बताओ किस किसने किस बच्चे ने किसने नंबर का किया है, कमेंट बॉक्स में आंसर दो।